हाय एवरीवन, आई मदती। हे गाइस, आई एम युवराज। और आज हम करने वाले हैं रिएक्ट भूल भुलैया 3 के गाने पे, जिसका नाम है अमी जे आमी जे तोमार। तोमार ये तीन। तो भाई गाने 3 इसलिए क्योंकि पहला वाला था जो ट्रेडिशनल वाला अमी जे तोमार है, उसके बाद ओजी अरिजीत अरिजीत सिंह का अमी जे वो भी अच्छा तोमार, था, और और कार्तिक अब आर्यन का ये बहुत बढ़िया थर्ड गाना था। है जिसमें विद्या बालन जी और माधुरी दीक्षित जी दोनों का जुगलबंदी होगी। वो करेंगी खत्तक कह रही, वो करेंगी कथक और विद्या बालन करेंगी भरतनाट्यम। अच्छा, ये भी पता है तुम्हें? ये कहाँ से पता चला तुम्हें? आई नो दिस अच्छा चलो भाई, सुनते हैं, लेट्स गो। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, आई एम वेरी एक्साइटेड। दो दिलों की ये प्रेम कहानी ले आए, देखो लकीरों में मिलना अपना था जन्म पहले लिखा। हमारे मिलन सही को भाई, है तरसे जो देना, इन्हें आज आ गए। भाई प्यार यार, एकदम बॉडी ऐसी हो रही है। फुल सॉन्ग वो कह रहे हैं भाई, मूवी देखो आके। भाई आज तक एक मजा। आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है गूजबम्स जब मैं गाने सुनती हूँ, बट मेरी आज बॉडी ऐसे से हो रही थी, मतलब एकदम क्या कहते हैं, सो क्या कहते भाई हैं, करंट सा आ गया मेरी अब बॉडी पता में है, ये यार। अकेला गाना ये पिक्चर चलाएगा। यार जितनी उम्मीदें कटी हुई थी ना, और एक सेकंड को अभी अब तक मेरे को ऐसे कुछ हो रहा है, बहुत ही पता नहीं यार। वो जो जो सीन शुरू होता है, जो फर्स्ट सीन शुरू होता है, वो जो इन्होंने सेट बनाया है, जो भी बनाया दिखा फिर से, वो जो दिखाया रेंडिशन है, जो था वो बहुत अच्छा था। वाह शुरुआत यार में जो ना वाह। अलग लिरिक्स हैं, लिरिक्स अलग हैं, इस बार और अच्छा लग पता रहा है है। वो लिरिक्स इतने अच्छे लग रहे हैं, उससे दिख रहा है कि वो जो प्यार अधूरा रह गया, जो भी रह गया ना, कि नहीं, नॉट और दिस वन, द विद्या फर्स्ट बालन वन, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है जैसे वो पहली बुलबुल भुलैया वाली विद्या बालन। भाई दिस सीन पहला वाला, ये हाँ, ये वाला बहुत बढ़िया मजा आ था। गया। पता है इसमें कैसा आ रहा है, भूतिया फील आ रहा है इसमें, कि वो भूत याद कर रहा है, जैसे वो करती है ना याद। मतलब बहुत अच्छा टच डाला है। अब ये लग रहा है भाई, दिस इज समथिंग गुड। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, वो लग जब रही है अच्छी। ये जो गाना जब फर्स्ट भूल भुलैया में आया था, और जब वो खिड़कियों से अक्षय कुमार देख रहे होते हैं, वो एकदम पागल भूतनी, आई मीन भूत बनी होती है यार, आई लव दैट। अगर इसमें है वो कि भूत बनी हुई है, वो जो भी है, तो मजा आ जाएगा, मजा आ बट जाएगा, अब थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा मन अच्छा हो रहा एक्साइटमेंट। है, लग रहा है हाँ एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि अब कहानी में ऐसा क्या होने वाला है कि ये दोनों साथ में डांस कर रहे हैं और कुछ तो दोनों सामने का होगा प्यार। जिसके सामने परफॉर्म कर रहे हाँ होंगे। और ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एक रूट पे लेके जा रहा है। और नाउ वी आर फीलिंग गुड अबाउट दिस मूवी कि कुछ तो एटलीस्ट इसमें अच्छा होगा। क्योंकि पिछली जो चीजें हमने देखी थी उसमें तो इतनी खुशी नहीं हुई थी, बट ये एकदम बराबर कर दिए। जितना डिसअपॉइंटमेंट और हमें बाकी चीजों उनको से था, पता है कि पीपल आर वेरी एक्साइटेड, दैट इज वाई उन्होंने पूरा वीडियो नहीं कह निकाला रहे है, पिक्चर में थोड़ा आओ, सा पिक्चर में। टीजर दिखा दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बीच में VFX का इस्तेमाल किया गया, जो आपने ये ओरिजिनल सेट देखा है, इसमें जो बैक साइड का जो व्यू है ना उसमें लग रहा है कि पूरा वो CGI से बनाया हुआ है। कौन क्योंकि ये सा वाला? सारे बंदे दिखाता हूँ मैं, अब दिखेगा तो ये इसमें ये वाला एंगल ठीक है, बट जैसे थोड़ा सा और इस तरफ आएंगी ना, ये स्टेज की राइट की तरफ आएंगी दिखा देखा तो शुद्ध देखो ये लग रहा है कि ये नकली है। ध्यान से देखना, ये नकली लग रहा है। जो मतलब ये लग नहीं, ये 3D भी नहीं लग रहे हैं, 2D लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही फ्रेम है जो पीछे हो रखा है। हो सकता है वो यूज किया भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, विद्या बट बालन ने देखो ये किया। ऊपर जो ये सब खड़ी है, ऐसा लग रहा है कुछ एक फोटो टाइप की है। तो देखो
पर विद्या बालन ने जो अपना वेट लॉस किया है कितना खतरनाक भाई किया है पुरानी यार वाली विद्या बालन लग रही है, मजा आ गया। सच और में। माधुरी जी भी भाई बहुत बेहतरीन। एंड आई गेस विद्या बालन ने वेट लॉस किया ही इस मूवी के लिए, अब हो मुझे सकता ऐसा है, लग रहा है, बिकॉज थोड़ा सा वैसा टच देने के लिए, वही पुराना वाला आमिर जी तो मार करने के लिए। अच्छा था भाई। बट यार मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आमिर जी तुम्हार जो फर्स्ट वाला है यार, इतने साल हो गए हैं उसके बाद भी अभी भी अगर वो कहीं चल जाए तो मैं ऐसे पागल हो जाती हूँ। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत मजेदार है, जितनी तारीफ की जाती कम है। वाइब आसपास की रख के, अब तो खैर डांस जिस तरीके से नंबर ये निकल के पूरा आएगा वो भी काफी आसपास रखा है, तो भाई बहुत प्यारी फीलिंग आ रही है एंड नॉस्टैल्जिया वाली। दे हैव बिकम सो क्रिएटिव कि विद्या बालन को उन्होंने दिखाया भरतनाट्यम करते हुए, और माधुरी को जिसका जो उसमें मतलब वो कथक आई गेस सीखी हुई है तो कथक करवाया उनसे, ये कथक की ड्रेस है, ये भरतनाट्यम की ड्रेस है, तो ये एकदम ट्रेडिशनल ये ड्रेसेस हैं डांसेस के। पहली बार ये किसी के बारे में कुछ ज्ञान दे रही, तो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा तो अच्छा है। और सा पता तो बता दिया। बट हाँ मजेदार था गाइस। अब आप लोग बताओ, ठीक है बहुत टाइम हो गया हम लोग बोल रहे हैं, अब आपका मौका है, आप लोग बोलो कमेंट से माधुरी बताओ जी हमें। का वो देख इसमें क्या पोस्चर है यार, देख ये जो पिक्चर लगी हुई है हाँ तो पोस्चर देख कितना खतरनाक है यार, वाओ वंडरफुल, यार लेजेंडरी डांसर है वो यार, और अब वो दिख भी रहा है, और इतना टाइम हो ओल्ड गया इज उन्हें गोल्ड, बॉलीवुड में, और ओल्ड इज अभी भी गोल्ड वो जो एक नूर है, वो जो यार, उनका एक नाम करंट है ही उनके पूरे हाँ, डांस में और वो उनके पूरे फेस एक्सप्रेशन में, वो अभी भी जिंदा है, वो मजेदार है भाई। उनका नाम ही धक धक गर्ल है। तो चलो अब हम मिलते हैं, ठीक है, अब आप ओके धक यार धक गर्ल को बहुत देखो वापस से, और ज्यादा अभी बोल लिया, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में बोलते मजा आ गए गया यार। बोलते देखो गए। वही वाली बात है, जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो नहीं लगता वो नहीं लगता, साफ सीधी बात है, ठीक है। रिएक्शन चैनल है, चाटू चैनल नहीं है। और वो जो पहली आमिर जी तुम्हार में जो वो मेल डांसर था वो भी क्या बढ़िया था यार, है ना, हाँ वो बंदा भी बहुत बढ़िया था, शशिधर, ओरिजिनल नाम कुछ और बहुत होगा ही उस बंदे का, बढ़िया। बट एक्चुअली वो भी ट्रेंड डांसर है, क्लासिकल डांसर। चलो भाई बाय, या ओके मिलते हैं अगली बाय वीडियो में, जय हिंद। बाय।